हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों आवर कंट्री इंडिया, यानी हमारा भारत, हमारा देश भारत। तो दोस्तों हम भारत के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, भारत की लोकेशंस के बारे में जानेंगे और भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, क्या क्या ज्योग्राफी है, उस सबको जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है भारत देश जो है एक बहुत ही बड़ा देश है, और आपको पता है हमारे देश में जो डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर है, यानी हमारे भारत की जो ज्योग्राफी है वो अलग अलग है तरीके से। अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो भारत के नक्शे में इस तरफ आपको सारा का सारा समुद्र मिलेगा, ऊपर जो है हिमालय मिलेंगे दोस्तों, बीच में प्लेन्स मिलेंगे दोस्तों। ये सब कुछ हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयस इन द नॉर्थ, है ना। नॉर्थ में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर हिमालय पर्वत मिलेंगे। अरेबियन सी वेस्ट में, यहाँ पे अरब सागर है दोस्तों, इंग्लिश में अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर इस तरफ है वेस्ट में। और अगर बे ऑफ बंगाल जो है, याद रखिए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जो है इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण में देखें तो इंडियन ओशन है, ये सारा का सारा जो है, सारा का सारा क्या है, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर इंग्लिश हिंदी में कहते हैं दोस्तों। इंडिया जो है, इंडिया के पास दोस्तों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। याद देखिए भारत के पास कुल कितना क्षेत्रफल का एरिया है, 3.28 मिलियन का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ये दोस्तों कश्मीर जो कि नॉर्थ में, यहाँ पे ऊपर में आपको पता ना कश्मीर से लेके दोस्तों जो कि नॉर्थ में है, और कन्याकुमारी यहाँ पे सबसे जो नीचे भाग है तमिलनाडु का, यहाँ पे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है नॉर्थ से साउथ में। और अगर ईस्ट से वेस्ट बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है और वेस्ट में है गुजरात। तो ईस्ट से वेस्ट कितना एरिया है दोस्तों, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है यहाँ से दोस्तों, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ कितना पूछा जाता है, 3200 किलोमीटर का। दोस्तों लॉफ्टी माउंटेन्स यानी ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी भारत में पाया जाता है। आपको पता है राजस्थान में डेजर्ट पाया जाता है यानी मरुस्थल पाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों भारत के यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेटू भी है, भारत में पठार भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में पठार भी मिलेंगे, या इसके अलावा आप थोड़ा दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण में भी आपको पठार मिलेंगे। भारत में कोस्ट भी है, है ना, तटीय इलाके भी हैं जो कि समुद्र से एरिया जो टच करते हैं, यहाँ पे सारा का सारा समुद्र है तो भाई यहाँ से तटीय इलाके हो गए। भारत में आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं द्वीप, द्वीप भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत के जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हैं, यानी डाइवर्सिटी है भारत के लैंड फॉर्म्स में। इट हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट। इसके अलावा दोस्तों लैंड फॉर्म में तो है ही वैरायटी, भारत के क्लाइमेट में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, भारत के वेजिटेशन में भी बहुत सारी वैरायटी है, क्लाइमेट भी अलग अलग तरीके का पाया जाता है, कहीं पे ज्यादा गर्मी है, कहीं पे ज्यादा ठंड है, कहीं पे ज्यादा बर्फ है। तो इसके अलावा वेजिटेशन भी अलग अलग तरीके से है, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं, कहीं पे सेब उगते हैं भारत में, कहीं पे गेहूं की खेती होती है, कहीं पे जूट की खेती होती है, कहीं पे कपास की होती है, कहीं पे कॉफी होती है। और भारत में वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, गुजरात में आपको पता है एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, आसाम में चले जाइए तो दोस्तों आपको वन हॉर्न राइनोस मिलेगा वहां पे। तो अलग अलग तरीके के वाइल्ड लाइफ भी हैं। भारत में अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भारत में अलग अलग तरीके का कल्चर है, लेकिन फिर भी दोस्तों इतनी सब कुछ अलग अलग चीजों के होने के बावजूद दोस्तों हम लोग जो है यूनिटी में हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है ना। एक भारत एक ऐसा देश है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए भारत जो देश है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिए 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो देश आपको पता है वो कौन सा है, रशिया है, रूस है हिंदी में कहते हैं, तो 7वें नंबर पे हमारा भारत का नंबर आता है। और भारत जो है दुनिया की सबसे 2nd नंबर की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, यानी हमारे देश में जो है पॉपुलेशन जनसंख्या दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है, चाइना यानी चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे एक शब्द है दोस्तों पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। क्या प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, याद रखिए जो जमीन का टुकड़ा तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं, यानी प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारे भारत का ये नक्शा है, तो भारत जो है इस तरफ से पानी से ढका हुआ है या घिरा हुआ है, इस तरफ से भी पानी से घिरा हुआ है, इस तरफ से, तो तीन तरफ से जो वाटर से क्या कहते हैं सराउंड होता है उसी को कहते हैं पेनिनसुला।
अब समझते हैं लोकेशनल सेटिंग, भारत की लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। वैसे तो हमने पहले चैप्टर में देख लिया था, फिर भी समझते हैं। इंडिया जो है दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है। मैंने बताया था ना आपको धरती का नक्शा दिखा, धरती का ग्लोब दिखाया था, उसमें मैंने बताया था ये इक्वेटर है जीरो डिग्री वाली, और इसके ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा जो भारत है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस तरह से लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री, और मैंने बताया था यहाँ पे जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है ये भारत से होकर गुजरती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन द लेटीट्यूड्स, तो दोस्तों जो साउथ से नॉर्थ में जाए तो मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द लेटीट्यूड्स, ज्यादा जो एरिया है भारत का लेटीट्यूड्स में बटा हुआ दोस्तों। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, और आपको पता है लॉन्गिट्यूड वाली कौन सी लाइनें होती है, ये होती है नॉर्थ से साउथ, ये तो मैं बता चुका हूँ ना। लेटीट्यूड कैसी होती है लाइनें, ऐसे मान लीजिए इनको लेटीट्यूड कहते हैं, और लंबी खड़ी हुई लाइनों को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, मैंने बता रखा था दोस्तों ये चैप्टर 1 में समझा चुका हूँ कि भाई एक ये लॉन्गिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था क्यों बनाया हम लोगों ने इंसानों ने, अपने टाइम को निर्धारित करने के लिए। और एक लॉन्गिट्यूड में बदलाव होने का मतलब है कि 4 मिनट में बदलाव आता है ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हो लेकिन आप यहाँ पे आ गए तो 4 मिनट का गैप हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 बजे रखे थे तो यहाँ 12:04 हो रखे होंगे, यहाँ पे 12:08 हो रखे होंगे, तो 4 मिनट का गैप आता है दोस्तों, ठीक है ये देख लीजिए। द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री में होने से 4 मिनट का बदलाव आता है। द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात, और मैंने आपको बता रखा था चैप्टर 2 में, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए। देखिए मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है टाइम निर्धारित होता है, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारे यहाँ सूरज निकलता है और बाद में यहाँ गुजरात में निकलता है, इसीलिए दोस्तों जो सवेरा है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात के मुकाबले अरुणाचल प्रदेश जो है वो लगभग 2 घंटे आगे चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो है टाइम अलग अलग नहीं है, जो गुजरात में टाइम हो रखा होगा वही अरुणाचल प्रदेश में भी टाइम हो रखा होगा, क्योंकि हम लोग जो है एक देश है तो हम लोगों ने अपने देश में टाइम भी एक ही मान रखा है। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया, तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों हमारे देश में जो है टाइम का डिफरेंस है, अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सवेरा हो जाता है और जल्दी रात भी हो जाती है, वहीं गुजरात में दोस्तों लेट सवेरा होता है और लेट रात होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भारत में एक ही टाइम मान रखा है कि भाई अगर अरुणाचल प्रदेश में 12 बजे रखा होगा तो हम भाई गुजरात में भी 12 ही मानेंगे। तो दोस्तों अगर आप गुजरात में रहते हैं और गुजरात में आप देखेंगे दोस्तों कि 6-7 बजे सूरज निकलता है, जब आपकी घड़ी में 6-7 बजे रखे होंगे तब सूरज निकलता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जाइए, अरुणाचल प्रदेश में आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई 4 या 3 बजे ही जो है 3-4 बजे ही जो है सूरज निकल जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ 3 बजे रखे हैं तभी सूरज निकल गया, लेकिन यहाँ 6-7 बजे रखे हैं तब सूरज निकला है। देखिए कहने का मतलब ये है कि भाई टाइम तो एक ही है लेकिन यहाँ सूरज जल्दी निकल रहा है, एक लेट निकल रहा है, ठीक है दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। यहाँ गुजरात में फिर से बोल देता हूँ लगभग 7 बजे वो निकलेगा सूरज, यहाँ लगभग जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने टाइम एक फिक्स कर रखा है भाई, लेकिन सूरज तो लेट निकलेगा ना, अरुणाचल प्रदेश में पहले निकल जाएगा क्योंकि वो ईस्ट में है, पूरब में है, और यहाँ जो वेस्ट में है थोड़ा टाइम लगेगा सूरज को यहाँ तक पहुंचने में। द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो मैंने बता रखा था कि भाई जो हम लोगों ने है एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन ले रखी है लॉन्गिट्यूड को, है ना, मैंने बताया ना ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, तो हमने एक लाइन को मान लिया था ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड वाली लाइन है, मतलब ये इस लाइन पे जो भी डिग्री बन रखा है ना, मैंने बताया था 82.5 डिग्री वाली ये लाइन है, 82.5 डिग्री वाली, तो हम लोगों ने इसी को डिग्री को माना कि भाई यही जो डिग्री होगी हम लोग है इसको ही टाइम अपना देश का चलाएंगे। ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, द यूएसए कैनेडा हैव 7 और 6 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली, तो दोस्तों कुछ दो देश हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं तो उन लोगों ने क्या कर रखा है अपने देश में टाइम जोन अलग अलग बना रखा है, जैसे यूएसए और कनाडा का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यूएसए और कनाडा बहुत ज्यादा बड़े बड़े देश हैं तो उन्होंने अपने देश में अलग अलग टाइम जोन निर्धारित कर रखे हैं, यहाँ पे अगर उनका एक स्टेट है तो यहाँ पे अगर 12 बजे रखे हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे करके मतलब कुछ भी टाइम हो सकता है, तो उन लोगों ने अलग अलग टाइम निर्धारित कर रखे हैं। लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन चलेगा, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाइए,
चाहे आप कन्याकुमारी चले जाइए, अगर जम्मू कश्मीर में 12 बज रखा होगा तो भाई कन्याकुमारी में भी 12 ही बजा होगा। अब समझते हैं भारत के कौन कौन से नेबर्स यानी पड़ोसी हैं और भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसा है, यानी हम लोगों ने जो है भारत को चलाने के लिए भारत को कितने टुकड़ों में बांट रखा है, कैसे हम भारत को चलाते हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से चीफ मिनिस्टर, मतलब कैसे कैसे स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर वर्क करते हैं उसको समझते हैं। इंडिया जो है दोस्तों 7 देशों के साथ बॉर्डर टच करता है, वो है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। याद रखिए ये टोटल 7 देश हैं जिनके साथ बॉर्डर टच करता है। और सबसे बड़ा, अगर मैं बॉर्डर बोलूं, सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, तो याद रखिए बांग्लादेश है। यहाँ आप मैप देख के चाइना को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, चाइना से हम सबसे बड़ा बॉर्डर टच नहीं करते, हम सबसे बड़ा बॉर्डर टच करते हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो आप लोकेशन देख लीजिए, ये है बांग्लादेश, ये है चाइना, ठीक है दोस्तों, और ये चाइना ने हमारा हिस्सा कब्जा कर रखा है भारत का थोड़ा सा। इसके अलावा दोस्तों ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का से हम लोग ये वाला देखिए बॉर्डर टच करते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है भी पाकिस्तान के पास है। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ हम बॉर्डर टच करते हैं, और जो श्रीलंका है दोस्तों इसके साथ लैंड बॉर्डर नहीं टच करते, लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम लोग जो सी वाला है एक तरीके से सी वाला बॉर्डर टच करते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेपाल है, ये नेपाल है, इससे भी टच करते हैं, और ये भूटान है, और ये म्यांमार देश है। तो इन 7 देशों से हम लोग जो है बॉर्डर टच करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, श्रीलंका जो है सेपरेटेड है फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। और दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये मैं पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, ये एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, एक छोटा वाटर बॉडी होता है जो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे ये छोटा वाटर बॉडी है, ये बे ऑफ बंगाल बड़ा है और ये इंडियन ओशन बड़ा है, तो इन दोनों को कौन जोड़ता है, ये छोटा सा सी, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट समझ में आया। और इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। क्या पाक स्ट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इंडिया और श्रीलंका को जो स्ट्रेट अलग करती है उसका नाम क्या है, तो बोलना पाक स्ट्रेट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपको पता है हमारा जो देश है इतना बड़ा है, एक साथ तो चला नहीं सकते, तो हम लोगों ने जो है अपने देश के टुकड़े कट रखे हैं राज्यों में। तो हमारे देश में टोटल 8 राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखिए। और जो आपको पता है हमारे देश की राजधानी क्या है, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली में बैठकर ही आपको पता है सारे कानून बनते हैं, पार्लियामेंट वगैरह है, प्रधानमंत्री वगैरह है, राष्ट्रपति, ये सारे के सारे दिल्ली में रहते हैं। राजस्थान एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा स्टेट है, याद रखिए राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है। पहले दोस्तों 2000 तक जो है मध्य प्रदेश तक, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ वगैरह जो है राज्य अलग हो गया था, तो अब दोस्तों जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, गोवा यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे अभी मैप दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा गोवा है। ये देख लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने ऐसे अपने भारत को बांट रखा है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में। तो सबसे ऊपर यहाँ लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर है, और ये रहा राजस्थान जो सबसे बड़ा है दोस्तों। पहले ये मध्य प्रदेश था, जबकि इसके साथ ये छत्तीसगढ़ था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा था गोवा है जो सबसे छोटा स्टेट है। आई होप आपको मैप क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये तेलंगाना है, तेलंगाना 2014 में बनके तैयार हुआ था। ये दोस्तों ये है पाक स्टेट जो मैं आपको बता रहा था। अब समझते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का फिजिकल डिवीजन भी कुछ है, फिजिकल डिवीजन मतलब क्या होता है कि भाई कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे ओशन है, तो कहाँ पे रिवर बहती है, तो ये इसी को कहते हैं फिजिकल डिवीजन। तो इंडिया जो है दोस्तों बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, आपको पता है फिजिकल फीचर में भी, भारत में फिजिकल फीचर में भी दोस्तों उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। भारत में आपको बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे, पठार मिल जाएंगे यानी प्लेटूज मिल जाएंगे, फर्टाइल प्लेन्स मिल जाएंगे, उपजाऊ जमीन मिल जाएगी, लंबी कोस्ट लाइन मिल जाएगी, तटीय रेखा भी मिलेगी, भारत में बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं। तो दोस्तों भारत की जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अलग अलग है। हिमालय दैट इज लिटरली मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। याद रखिए हिमालय का मतलब क्या होता है, अबोर्ड ऑफ स्नो यानी सन, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ का घर, अबोर्ड मतलब होता है घर, तो हिमालय क्या है, बर्फ का घर। आर लोकेटेड, समझ में आया हिमालय शब्द का मतलब, आर लोकेटेड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो दोस्तों देख लीजिए ये हैं सारे के सारे हिमालय, ये अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, तो ये हिमालयज हैं। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रेंजेस, और हिमालय में भी दोस्तों 3 रेंजेस पाई जाती हैं, श्रृंखला पाई जाती है, 3 श्रृंखला। एक तो है सबसे पहले ग्रेट हिमालय, याद रखिए हिमालय की ना 3 श्रृंखला ऐसे करके, तो सबसे ऊपर जो है ग्रेट हिमालय, यहाँ पे देख लीजिए ये है ग्रेट हिमालय, लिखा है कि नहीं लिखा दोस्तों।
उसके बाद आता है हिमाद्री। क्या आता है दोस्तों? हिमाद्री आता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आपको समझ में आया कि सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय रेंज, उसके बाद आती है ग्रेट हिमालय को दोस्तों हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरी रेंज, इसको कहते हैं मिडल हिमालय। मिडल हिमालय को ही हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या आता है? हिमाचल आता है। क्या आता है? हिमाचल, जिसको क्या कहते हैं? मिडल हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आता है शिवालिक। याद रखिये, ये देखिए, ये लिखा है शिवालिक। तो शिवालिक को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको आउटर हिमालय कहा जाता है। तो समझ में आया, हिमालय की टोटल तीन रेंजेस हैं। सबसे याद कर लीजिए, ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। याद रखिए, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं, मिडल हिमालय और ये आउटर हिमालय। नॉर्दर्न प्लेन्स लाइ टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय। तो दोस्तों इसके बाद अगर हिमालय से नीचे उतरे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या? मिलेंगे प्लेन्स, मिलेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा भारत में खेती होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना, ये सारी की सारी रिवर जो है, चंबल जो है, ये सारी की सारी रिवर यहाँ पर बहती है। तो यही जो है भारत का प्लेन वाला इलाका है। दे आर फॉर्म्ड बाय रिच अलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ रिवर लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज व्हिच मेक देयर लैंड, व्हिच मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। तो दोस्तों आपको पता है ये सारा का सारा इलाका देख सकते हैं, ये प्लेन वाला इलाका है, जहां जहां पे ये थोड़ा आपको वैसा कलर दिख रहा है ना, ये बैंगनी टाइप का थोड़ा कलर, आप कलर सचमुच में बैंगनी नहीं है तो मेरे को कलर बोलना नहीं आ रहा, पहचान अच्छे से नहीं हो रही, लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है, यहाँ पे दोस्तों ये रावी, चेनाब, ब्यास, सारी की सारी रिवर निकल रही है। तो ये सारा का सारा जो है प्लेन इलाका है, और यहाँ पे दोस्तों जमीन जो है बहुत उपजाऊ पाई जाती है। उपजाऊ क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपको पता है रिवर जो है अपने साथ अच्छी अच्छी मिट्टी लेके आती है, उपजाऊ वाली मिट्टी खींच खींच के लाती है और यहाँ पर डाल देती है, ठीक है। दीज रिवर प्लेन्स आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा खेती होती है, भारत का जो खाने की जो ज्यादा पूर्ति है यही राज्य सारे करते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पंजाब, ये सारे के सारे राज्य करते हैं। सो बिकम अ होम फॉर लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आबादी भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि भाई जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे खेती होगी अच्छे से, लोग भी तो वहीं बसना शुरू करेंगे, वहीं पे तो बसना चाहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा आबादी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश तो आपको पता है भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, आबादी वाला देश बोल रहा हूँ, आबादी वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम भारत के पश्चिम में जाएं तो यहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा, जिसको दोस्तों थार मरुस्थल भी कहते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे जो इंडिया है इसकी फिजिकल डिवीजन किस तरीके से है। सो ठीक है दोस्तों, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्राई, हॉट, सैंडी ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद नो और वेरी लिटिल वेजिटेशन। तो यहाँ पे दोस्तों वेजिटेशन जो है, पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों साउथ में जाएं, टू द साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन्स लाइज द पेनिनसुला प्लेटू। दोस्तों अगर हम प्लेन्स से, मैंने आपको बताया था ना नॉर्थन प्लेन्स, ये वाला इलाका बताया, अगर हम इसके नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे प्लेटूज। क्या मिलेंगे? प्लेटूज, हिंदी में कहते हैं पठार। ये आप देख सकते हैं, ये पीला वाला इलाका है जितना, ये सारे के सारे यहाँ पे प्लेटूज पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको दिखा, इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट्स रिलीफ फीचर इज हाईली अनइवन। तो दोस्तों ये जो है प्लेटू, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर टाइप का फीचर है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर टाइप का है, और यहाँ पे दोस्तों जो है रिलीफ फीचर्स इज हाईली अनइवन। तो यहाँ पे जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अनइवन तरीके के हैं, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ जमीन है, सब समतल नहीं है जैसे प्लेन में होती है समतल सीधे। यहीं पे दोस्तों प्लेटू, इन्हीं प्लेटूज में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं प्लेटूज है, जिसका नाम है अरावली। पहले दोस्तों अरावली पहाड़ थे, लेकिन बाद में हवा से कट कट के, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अरावली जो है एक इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटूज भी है, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, द विंध्यास एंड द सतपुरा रेंज। तो यहीं पे दोस्तों याद रखिए, अरावलीज पाए जाते हैं, विंध्यास पाए जाते हैं, सतपुरा रेंज भी पाए जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिट गया, ये है अरावली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे विंध्या दिख रहा है, ये विंध्या थोड़ा सा मेरे से पेन चल गया, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों सतपुरा रेंज है, तो विंध्या और सतपुरा साथ में, ये अरावली जो है राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है। नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज रेंजेस एंड ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी। तो दोस्तों यहीं से आपको पता है नर्मदा तापी रिवर भी बहती है और बाद में ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ये मिट गया दोस्तों, ये है नर्मदा रिवर और ये है तापी रिवर। तो दोस्तों ये यहाँ पे निकलती है और ये यहाँ अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। अगर दूसरा नक्शा है, नहीं है दोस्तों, बट यही नक्शा है, समझ जाइए। यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये नर्मदा और तापी निकलती है और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जाएं
इसी में देखें ना, भारत के इस तरफ ये वेस्टर्न कोस्ट में देखें तो यहाँ पे दोस्तों वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों थोड़े थोड़े पहाड़ हैं, पहाड़ टाइप के हैं, वेस्टर्न प्लेटू टाइप के हैं। और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारे पठार मिलेंगे आपको। तो ये देखिए वेस्टर्न प्लेटूज हैं यहाँ पे ईस्टर्न प्लेटू हैं। तो देखते रहिए दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी भारत की कैसी है। वेल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, और दोस्तों ये वेस्टर्न घाट्स जो है ना, यहाँ पे जो पहाड़ है ये लगातार है, ये कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न पठार है ये लगातार नहीं है, मतलब यहाँ पे पठार है फिर दो छोड़ दिए, फिर यहाँ पे पठार है, फिर थोड़ा सा गैप आ गया, फिर पठार है, पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स है। इनको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो ईस्टर्न घाट्स है वो ब्रोकन है और अनइवन है, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है लगातार है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारा मानसून जो है, आगे चैप्टर में जाके आप पढ़ोगे अगली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, कि कैसे जो है मॉनसून आती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश करती है। तो मेरे नक्शे का तो दोस्तों बहुत बुरा हाल हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों अगर भारत के दक्षिण में और जाएं, कोस्टल प्लेन्स लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। तो दोस्तों अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉइंग बना देता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में जाएं, यहाँ पे मैंने बता दिया प्लेटूस पाए जाते हैं, और थोड़ा सा यहीं पे क्या पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स भी पाए जाते हैं। ऐसे ही ईस्टर्न में भी है, कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, तटीय इलाके पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट आर अमंग द पॉपुलर कोस्ट। तो दोस्तों आपको पता है कोंकण कोस्ट जो है यहाँ पे वेस्टर्न में पाया जाता है, याद रखिए वेस्टर्न कोस्ट में कोंकण कोस्ट पाया जाता है, जो आपको पता है गोवा कर्नाटका वाला इलाका है, इस इलाके को कोंकण कोस्ट कहते हैं, और मालाबार कोस्ट जो है इधर वाले इलाके को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मालाबार कोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, मैंने बता दिया जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वाले इधर वाले फिर से बना देता हूँ, कोई पिक्चर कोई बात नहीं। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये बहुत ही ज्यादा नैरो है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है बहुत ही ज्यादा चौड़े हैं, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे कंटिन्यूस पहाड़ नहीं है, पठार नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा चौड़े हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी दोस्तों इस वेस्टर्न और ईस्टर्न में बहती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल। या देखिए ये जो मेजर मेजर रिवर है ये यहाँ से ऐसे चलती है, सबसे ऊपर है गोदावरी, सॉरी महानदी, फिर आती है गोदावरी, फिर नीचे कृष्णा, फिर नीचे कावेरी, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार मैप बना देता हूँ आपको अच्छे से क्लियर होने के लिए। सबसे ऊपर रिवर बहती है यहाँ पे दोस्तों महानदी, फिर आती है गोदावरी, फिर आती है कृष्णा, फिर आती है कावेरी। तो यहाँ ही पे दोस्तों ये सारी बहती है, और यहाँ बे ऑफ बंगाल है आपको पता है, यहाँ पे जाकर गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है यहाँ पे अगर देखें भारत के पश्चिम वाले इलाके में, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड यानी लक्षद्वीप द्वीप, और यहाँ पे ईस्ट इलाके में देखें तो आपको यहाँ पे ईस्टर्न वाले इलाके में मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप यानी आइलैंड। तो दोस्तों ये भी भारत का ही हिस्सा है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कोरल आइलैंड है, कोरल से बने हुए हैं इसलिए कोरल आइलैंड है, और ये केरला के, अगर केरला के इधर स्थित है दोस्तों, वेस्टर्न साइड में स्थित है, ठीक है। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स दोस्तों स्केलेटन ऑफ अ टाइनी मैरिन एनिमल्स होते हैं कॉल्ड पॉलिप्स। तो दोस्तों समुद्र में एक एनिमल पाया जाता है बहुत ही छोटा जिसको पॉलिप्स कहते हैं, उन्हीं के स्केलेटन होते हैं दोस्तों, ठीक है। कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मैरिन एनिमल कॉल्ड पॉलिप्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये थोड़े से व्हाइट व्हाइट टाइप के दिखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।